और मलाई मार कर ये लस्सी तैयार हो चुकी है। गुरु की नगरी, स्वाद की नगरी में एक बार आपका सेव से स्वागत है। लोहगढ़ गेट में कैमरे की नजर से सबसे पहले दिखाते हैं बंता स्वीट की बनती हुई पूड़ियां। देखो 22-23 साल हो गए हैं गुड़ों वाला हलवा जी। ओए होए, जो टेक्सचर है, जो इसमें खुशबू आ रही है, बहुत ही अमेजिंग। ये भाई साहब रहने वाले चने, ओए होए, एकदम अमेजिंग। ये तड़के वाले, विदाउट तड़के, तड़के वाले चने है जी। ये आलू की सब्जी, आलू की लौंजी कह लो, कचालू की चाट है जी, जेड़े को दही दूई पा के तैयार की गई है। ये चार मिक्स है जिन्हों पचरंगा चार कहते हैं। गाजर भी है, मूली भी है, बू मिर्च हरी, अंब, यानी कि मिक्स चार है पचरंगा है। ये पूड़ियां है जी पीठी दी है। ए, की करने कितनी पैक गई? 8। तो भाई साहब ये आगे प्लेट में चने गर्मा गर्म, आलू की लौंजी, और बात करूं इधर थोड़ा सा आ गया रोगन, प्लस इधर आ गया जी कचालू की चाट, और प्लस प्याज आ चुका है, और ऊपर आ चुका है अचार, और प्लस इधर से बात करूं आ गया गुड़ वाला हलवा। ओ भाई साहब, और पीछे से आ गया गर्मा गर्म सिक कर पूड़ी जी। है गए छोले पूड़ी, 35 रुपए प्लेट है जी, जिसे छोले है, आलू की लौंजी है, दो पूड़ियां ते नाल हलवा जी। लो जी साड़ी प्लेट तैयार होके बाहर आ चुकी है जी, आ चेक। ये 35 रुपए की प्लेट रहने वाली है, फुली फुली है, माँ की दाल की फिलिंग की गई है, कि दाल की पीटी भरी जाती है इस पूड़ी में। ये चेक करो, आपको पूड़ी दिखाना चाहता हूँ। ओ भाई साहब, थोड़ी सी असी ये पा ले छोले और आलू, और प्लस इतों की कचालू की चाट, और ये ना कचालू नाल ही दही भी पाया हुआ, प्याज पावे, टेस्ट करते हैं। चने की गल करा, इनू खाने बाद ना एकदम करंट पैंदा है, और प्लस इत जो कचालू का चाट है विद दही, और जो खटास आती है बहुत ही अमेजिंग आती है। गुड़ वाला हलवा लवेंगे जी, आ चेक करो, बहुत ही अमेजिंग। अभी सू बचपन तो इतने आ रहे हैं जी, बंता स्वीट्स लोअर गेट है, गुरुद्वारा लोकल किला सामने। हाँ जी भाजी, ये अपना ओवन हैगा, ये तिना तंदूरों का कला काम करता है, ये तीन है, एक च 20 पीस लगते हैं। तंदूर वाले कुलचे तो आने बहुत खाली है, पर आज आपको दिखाएंगे ओवन वाले कुलचे। अंकल ओल जी चली है जी, हुण मेरा मुंडा ना होटल मैनेजमेंट जी का कोर्स कर लिया, वो कोर्सों के इन्होंने मशीनों के सिखाया जाता, ब्रैड हुई, पिज्जा होया, पैटी हुई, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟੀ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਲਚਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੈਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੈਵਾਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਘਿਓ ਦੀਆਂ, 3-4 ਤੈਵਾਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, 4 ਤੈਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪੇੜੇ ਬਣਾਈ ਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਸਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਫਿੰਗ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਫਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਆਲੂ ਵਾਲਾ, ਗੋਭੀ ਵਾਲਾ, ਪਿਆਜ ਵਾਲਾ, ਪਨੀਰ ਵਾਲਾ, ਬਲਕਿ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਲਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਭੀ, ਪਿਆਜ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਮਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ, ਮੈਦਾ ਘੱਟ ਤੇ ਆਲੂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਫਿੰਗ ਪੂਰੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਜੀ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇੜੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਫਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਓਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਚੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਲਾਈ ਰਹੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਓਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰਹੇ, ਓਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਲਚਾ ਬਣਦਾ। ਜਲਦੀ ਕਰ ਜਰਾ, ਅਮੇ ਤੂੰ ਇਧਰ ਆ ਯਾਰ। ਹਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਸਾਲਾ। ਮਸਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਸਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੱਖਣ, ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਛੋਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਸਾਦੇ ਛੋਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਤੜਕਾ ਛੜਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੜਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ, ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ ਬਸ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, मतलब पूरी पूरी अच्छे से इसकी क्रिस्पीनेस मैं चेक कर पा रहा हूँ, तो स्टफिंग है ना एंड टू एंड गई हुई है। और भाई साहब यहाँ पर रहने वाले इनके स्पेशल छोले, पुदीने वाली इमली वाली चटनी, नज़ारे दिल खुश करता, और यकीन नहीं हो रहा कि यार मैं ना ओवन वाला कुलचा करूँ या तंदूर वाला, बहुत ही अल्टीमेट है भाई साहब। ए अंबरसर जोड़ा फाटक 40 खूह लागे जी, इन भी आगे पुछ लो भी काले कुलचे वाली दुकान कही है। तो सबसे पहले ना न्यूट्री का जो स्टॉक है ये आ गया तवे के ऊपर। ओए होए, क्या बात है सर, सर इन घरों की तैयार किया हुआ पहले? घरों तैयार करके ले जी सर, इसे सिर्फ तड़का लगाना होता सर, ये गाजर, प्याज और ये शिमला मिर्च, और ये आगे चुकंदर, और ये मेरा प्रिय मित्र धनिया, चंगी तरह पीस नु मैश कर दी दी है सर, ताकि ये पानी की मात्रा भी ना रहे ये। और सर की पाया सी रोगन? ये सर तड़का होता है जिसे न्यूट्री बनी होती है सर। अच्छा जी, क्या बात है, ये बटर है हमारा, क्या बात है, मक्खन भरपूर मात्रा में, और ये ऊपर पनीर,
लो जी जिहड़ी प्लेट हैगी सज रही है पनीर नूं पूरा अच्छे से डालया है जिहड़े कुलचे नूं अच्छे से लबेड़ के मतलब ग्रेवी तों सारी स्मेल खत्म कर दीजिए सारे नूं अच्छी तरह ग्रेवी लगा के अच्छी तरह गर्म करके ओ सर ये की आ गया जी ये मीठी चटनी है इमली की अच्छा ये पुदीने वाली चटनी है और ये चेक करना पुदीने की चटनी के बाद कुलचो को अच्छे से गर्म कर दिया गया न्यूट्री बन चुकी है और कुलचा भी आ चुका है लबेड़ के और न्यूट्री भाई साहब बढ़िया वाली यार थोड़ी मिट्टी चटनी पाई इमली पुदीने वाली चटनी पाई है जी इनू मिक्स 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 किया जी और आ देखो कुलचा एकदम सो कुलचे उत्ते न्यूट्री डाल ली जी कुलचे की बाइट ली ना मुंह में जाके पूरी पूरी गुल गई मजा आ गया सर दिल खुश करता बहुत ही वधिया रहने वाली है तो न्यूट्री सर नियर भरावां दा ढाबा वा और ओपोजिट रैमड शोरूम अमृतसर आए हो तो आपने ढाबे का खाना नहीं खाया तो वो तो हो नहीं सकता और हमारी 100 साल पुरानी लेगेसी है जो ढाबे की जिसको हम कोशिश कर रहे हैं पूरी मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए आप अभी हमारा खाना देखोगे बनता हुआ भी और जब ट्राई भी करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ब्रदर ढाबे की जो गड्डी है वो गुडविल नाल चल रही है ये हमने अपना स्लोगन दिया हो हाँ ये देखो प्योर देसी घी की जो खुशबू होती है ना वो बाहर से खींच के ले आती है ये जैसे हमारे अमृतसरी कुलचे का ऑर्डर है कुलचों का क्रेज है ना सुबह से लेकर रात तक चलता है क्या क्या आज आपके पास ये सबसे पहले हमारे जो ढाबे की शान है वो हमारी दाल मखनी है उसे दिखाते भी हैं और लोग जब खा के हमें प्रेज करके जाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है उसके बाद ये अमृतसरी चने हैं चना मसाला जो है अमृतसर का जो फेवरेट होता है हर बंदे का और सुबह मॉर्निंग से ये शुरू हो जाता है कुलचे के साथ थाली के साथ हर चीज़ के साथ ये चलता जाता है और ये रात तक अवेलेबल रहता है हमारे पास ये देखो ये हमारे स्पेशल राजमा है राजमा चावल जो है वो तो वैसे सबकी फेवरेट होती है ये देखो ये स्पेशल हमारा पालक पनीर है पालक पनीर जो है ये हमारा तैयार हो जाता है उसके बाद जो पनीर ऑन द स्पॉट इसमें फ्रेश हम डाल के सर्व करते हैं और ये प्योर देसी घी है और देखो पंजाब में और घी में प्यार ऐसा है कि वो हिल नहीं सकता आपस ये हमारी पनीर बटर मसाला की ग्रेवी है एक्चुअली और इसमें हमारा मशरूम बटर मसाला पनीर बटर मसाला सारे कॉम्बोज रहते हैं हमारा शाही पनीर इसका नाम है और जो शाही पनीर है वो किसी भी ढाबे की जो है वो शान होती है ये मलाई कोफ्ता की ग्रेवी है काजू और मगज से हम ये ग्रेवी तैयार करते हैं और ये जो ग्रेवी है ना इसके जो कोफ्ते हैं ऑन द स्पॉट आपको मतलब जब ऑर्डर आता है तो तभी बन के तैयार होता है ये हमारा स्पेशल पंजाबी कढ़ी है ये स्पेशल मिक्स वेज है जो हमारी थाली में जाता है ये हमारी स्पेशल पनीर भुर्जी बन रही है पनीर भुर्जी ब्रेड भी रहता है ब्रेकफास्ट में ऑप्शन रहती है उसके बाद हमारे पास इंडियन जो है उसमें भी ये रहता है और ये हमारे पास जैन भी मिल जाती है अगर किसी को बिना प्याज के चाहिए तो वो भी अवेलेबल है ये स्पेशल मैं आपको दिखाती हूँ चिल्ली गार्लिक पराठा है जो पालक पनीर के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बो में रहता है ये और देसी घी में इसको चोपड़ा जाता है क्या बात है देसी घी में चपड़ा जाता है हाँ, वो रहता है ये हमारी स्पेशल परांठा थाली रहती है जिसपे दाल मखनी है चना मसाला है बटर पनीर मसाला है मिक्स वेज है रायता है सैलड है मतलब आप ये समझ लो कि ये जो हमारा जो बेस्ट सारी जो चीज़ें हैं ना उसको हमने एक ये कॉम्बो बना दिया है कि जो एक बार ही खाएगा ना उसको मजा आ जाए और ये 2.5 किलो की हमारी थाली आ चुकी है कड़ी और पकोड़े का जो तालमेल है बढ़िया वाला और देसी घी ऊपर डाला गया है स्पेशल देसी घी वाली दाल ये रहने वाले चने राजमा इसमें भी देसी घी डाला गया और ये रहने वाला पनीर बटर मसाला सिटी वाला परोठा कह सकते हो और ये लच्छा परोठा भाई साहब और बान और शान है तो दाल से शुरुआत करता हूँ और ये भाई साहब दाल ला गई है दाल आ चुकी है ओए होए दाल जा रही है बाहर यार भाई साहब जो दाल की थिकनेस है जो कंसिस्टेंसी है अल्टीमेट वाली है स्टाइल छोले ओवरऑल बात करूँ यार जो मसाले डाले गए जो इसमें मतलब टेस्ट आ रहा है देसी घी का अल्टीमेट वाला है भाई तो भाई साहब पूरा अंदर हाल भरा हुआ है खाना बहुत बढ़िया रहने वाला है लोग इंजॉय कर रहे हैं खाना हम तो भाई साहब बोला लस्सी वालों की स्पेशल लस्सी बनने जा रही है ये चेक करो सबसे पहले ना दही आ गया इस कटोरी में और कटोरी में दही डालने के बाद ना इसको बड़े से बाउल में जिस ट्रांसफर कर लिया गया स्वाद अनुसार चीनी बर्फ आ गया और हाथों के साथ इस लस्सी को रिड़का जा रहा है आजकल मशीनी युग आ गया पर वहाँ पर बोला लस्सी वाले पलवान लस्सी वाले हाथों के साथ लस्सी को रिड़ कर लस्सी बना रहे हैं और लोगों को ऐसी ताज़ा फ्रेश बहुत ही लाजवाब लस्सी दे रहे हैं और मात्र 40 रुपये में जो लस्सी रहने वाली है बहुत ही अमेजिंग
लस्सी की थिकनैस और लस्सी में जो मतलब टेस्ट होने वाला ना बहुत अमेजिंग। बोला लस्सी वाले, बोला लस्सी के मेरे पीछे देखोगे ओल्ड टेलीफोन एक्सचेंज अमृतसर में, और पीछे ताराचंद पनीर भुर्जी वाले। और अगर पनीर भुर्जी खाने का मन हो तो ताराचंद पनीर भुर्जी वालों के पास पनीर भुर्जी खाओ। और ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सुटिल लैंड टेक केयर, गुड बाय, सारा प्यार भरी सत श्री अकाल।